दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब आप किसी से बात करते हो व्हाट्सएप में वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल में, तो तब आपकी जो व्हाट्सएप प्रोफाइल है वहां पे क्या दिखाता है? नहीं ना। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ पांच ऐसा मिस्टेरियस क्वेश्चंस और डाउट व्हाट्सएप के बारे में जो कि आप लोगों के मन में शायद कभी ना तो आया होगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक जरूर देखना। और ये शर्ट कौन सी कलर का है? ब्लैक एंड रेड ना। तो यहाँ पे आप लोग तो रेड तो टच नहीं कर सकते, लेकिन नीचे एक आप लोगों को सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा रेड कलर का, तो बस आपको वो बटन क्लिक करना है, ठीक है? तो लेट्स प्ले द म्यूजिक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप किसी से बात करते हो व्हाट्सएप वॉइस कॉल और वीडियो कॉल में, तो क्या दिखाता है आपके स्टेटस? ये यानी कि ऑनलाइन दिखाता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो दोनों फीचर है, ये दोनों फीचर व्हाट्सएप की एक्सटेंशन फीचर नहीं है। जैसे आप लोग चैटिंग करते हो ना व्हाट्सएप मैसेजेस में, वैसे ही ये दोनों फीचर दिया गया है। इसलिए जब आप किसी से बात करते हो व्हाट्सएप वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के थ्रू, तो तब भी आपकी स्टेटस ऑनलाइन दिखाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। अगर आपके फोन में डेटा कनेक्शन ऑफ है और उस समय विक्टिम मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर दे, तो क्या आपके फोन से भी वो मैसेज चला जाएगा? मतलब समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किसी के साथ बात की है चैटिंग में, ठीक है? बात खत्म होने के बाद आपने जो आपके फोन की डेटा कनेक्शन है उसको ऑफ कर दिया है। एंड देन उसने क्या किया, जब आपके फोन में डेटा कनेक्शन ऑफ है उस समय उसने क्या किया, एक मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, तो क्या आपके व्हाट्सएप से भी वो मैसेज चला जाएगा? तो इसका आंसर है यस एंड नो। अब आप पूछोगे कि ये कैसे आंसर है? दोस्त, बात ऐसा है कि अगर उसने मैसेज को डिलीट कर दिया, ठीक है, और आपके फोन में डेटा कनेक्शन ऑफ है, अगर आपके फोन की जो डेटा कनेक्शन है उसको 13 घंटा 8 मिनट 16 सेकंड ऑफ रखते हो, तो वो जो मैसेज डिलीट कर दिया है वो मैसेज डिलीट नहीं हो जाएगा आपके फोन में, ठीक है? अगर पहले ऑन करते हो, यानी कि 13 घंटा 8 मिनट 16 सेकंड के पहले आपके मोबाइल में जो डेटा कनेक्शन है उसको ऑन करते हो, तो वो जो मैसेज डिलीट कर दिया है वो भी आपके फोन से भी चला जाएगा, ठीक है? आई होप आपको आंसर मिल गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर देते हो, तो क्या वो मैसेज है, जो मैसेज आपने आपके दोस्त के साथ किया है, वो सारा मैसेज उनके फोन से भी चला जाएगा? तो दोस्तों, नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप की एक स्टोरेज है जहां पे आपके मैसेज को स्टोर किया जाता है। जब तक आपके जो दोस्त है वो खुद आपके मैसेज को डिलीट नहीं कर देते हैं, तब तक आपकी जो मैसेज है वो रह जाएगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। एक समय हमारे पास बहुत सारा ओएस था, जैसे कि सिम्बियन ओएस, ब्लैकबेरी ओएस, जावास्क्रिप्टेड ओएस। तो क्या अभी भी उन सारे ओएस में व्हाट्सएप चलता है, और कौन सी फोन्स में व्हाट्सएप अभी नहीं चलता है, ठीक है? तो ये देख लीजिए लिस्ट। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम्बियन ओएस में बंद हो गया है जून 13, 2017 को। ब्लैकबेरी ओएस और ब्लैकबेरी 10 जो है वहाँ पे बंद हो गया है 31 दिसंबर 2017 को। और जो विंडोज फोन 8 और उसके नीचे की जो वर्षन है वहाँ पे बंद हो गया है 31 दिसंबर 2017 को। और जो नोकिया S40 जो सीरीज है वहाँ पे बंद हो गया है 31 दिसंबर 2018 को। और जो एंड्रॉयड 2.3 है और उसकी जो लोअर वर्षन है वहाँ पे बंद हो गया है फरवरी 1, 2020 को। और जो iOS है, iOS 7 है, वहाँ पे बंद हो गया है 1 फरवरी 2020 को। तो ये था वो सारा फोन्स, वो सारा ओएस के लिस्ट जहाँ पे व्हाट्सएप अभी काम नहीं करता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। क्या आप कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट की मैसेज को सेव रख सकते हो आपकी फोन की स्टोरेज में, और अकाउंट डिलीट होने के बाद क्या आप पढ़ सकते हो? तो यस, यू कैन। कैसे? आप लोग को बस सिंपली उनके इनबॉक्स में जाना होगा, और जाने के बाद आप लोग को ऐसा 3 डॉट दिख जाएगा, ठीक है? वहां पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को सीधा क्लिक करना है एक्सपोर्ट चैट में, एंड सेव रखना है आपकी फाइल मैनेजर में। ओके, अगर आपके फाइल मैनेजर शो नहीं करता है तो आप लोग CX फाइल एक्सप्लोरर यूज करते हो। ये मैं पर्सनली बहुत ही पसंद करता हूँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो को प्यार से देख रहे हो, तो ये बोनस इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो भी मैसेज आप लोग करते हो व्हाट्सएप में वो कहाँ पे सेव होती है? तो वो होता है आपकी जो स्टोरेज में, वहां पे आप लोग को दिख जाएगा व्हाट्सएप फोल्डर, एंड उसके भीतर आप लोग को दिख जाएगा डेटाबेस फोल्डर, वहां पे होती है आपकी मैसेज सेव, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन का आंसर दिया है जिसका आंसर आज तक शायद किसी ने नहीं दिया है, और आपके मन में भी ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो आया होगा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।